अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, गीज़र के एक और मसले के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि हमारी पल्स और सेल, मतलब हमारी थर्मोकपल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल दोनों ही ठीक है, इसके बावजूद हम जब पायलट को ऑन करते हैं तो जितनी देर पुश बटन को पुश किए रखते हैं तो पायलट ऑन रहता है, चाहे एक मिनट भी किए रखें, दो मिनट तक भी किए रखें, जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ते हैं और पायलट बंद हो जाता है। मैं एक दफा फिर आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने पुश बटन ऑन किया, ये मैंने इसे माचिस से चलाने की कोशिश की। अब मैंने पुश बटन को पुश किया हुआ है और हमारा इस टाइम पायलट ऑन है, लेकिन जब मैं जैसे ही पुश बटन को छोड़ूंगा पायलट ऑफ हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसका एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा इशू है, वो एक मिनट के अंदर अंदर अभी हम रिजॉल्व कर देते हैं। नाज़रीन, अक्सर आप जब इस बटन को, ऑन ऑफ वाले बटन को पायलट पे लेके आते हैं तो आप इसकी डायरेक्शन देखें, आप ठीक वाला नहीं लेके आते, मतलब आपका ये पुश बटन ठीक से नीचे पुश नहीं हो पाता, इसमें ये इतना सा गैप रह जाता है। ये देखें, इससे पायलट तो ऑन हो जाता है लेकिन आपका ये वाला सेल बिल्कुल नीचे तक नहीं दबता। ये थर्मोकपल चाहे जितनी देर मर्जी गर्म किए रखें, जितने मर्जी वोल्ट जनरेट करे, जितना मर्जी करंट जनरेट करे, वो इस सेल के कॉयल को इस काबिल नहीं कर पाती कि वो इसको अपनी तरफ खींच सके। तो इसका एक सिंपल सा हल ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस बटन को ठीक से अपनी जगह पे लेके आना है और ये देख लेना है, मेक श्योर कर लेना है कि ये बटन पूरा नीचे तक पुश हो। जब तक ये नीचे पूरा पुश नहीं होगा, आप जब भी छोड़ेंगे, जब भी इसे वापस छोड़ेंगे, आपका पायलट बंद हो जाएगा फौरन। अब ये देखे, मैंने इसे पूरा पुश वाली जगह पे लेके आया हूँ। अब हम चला के देखते हैं इसी गीजर को, इसी पायलट को चला के देखते हैं। मैंने पुश बटन ऑन किया, अभी ये मैंने पुश बटन दबाया हुआ है, अभी 20-25 सेकंड तक मैं इसे पुश रखूंगा। ये नाज़रीन, मैं इसे छोड़ने लगा हूं। अब देखें, हमारा पायलट बिल्कुल ऑन कंडीशन में है, हमारा पायलट बंद नहीं हुआ। अभी मैं इसको जब ऑन पे लेके आऊंगा तो हमारा गीजर फौरन ऑन हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।